अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने डिसाइड किया है कि आपके लिए मैं 10 सीरीज 10 एपिसोड्स इमिग्रेशन लॉ की, यूके इमिग्रेशन लॉ, जिसमें आपको फैमिली वीज़ाज़ के बारे में बताया जाए कि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कब आपको एग्जम्प्टेड होता है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कितनी है, अकोमोडेशंस के क्या रूल हैं जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की पहली सीरीज शुरू करते हैं हम पेरेंट्स वीजा ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड से। वो कौन सी 3 रीजन होती है जिसकी वजह से आपका पेरेंट्स वीजा रिफ्यूज हो जाता है जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड वीजा अप्लाई करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो आपकी होती है रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट, कि जिसमें आप अपने बच्चों के एक्टिवली अपब्रिंगिंग जो कर रहे होते हैं उसको जब आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से लोगों का एप्लीकेशन रिफ्यूज होता है, कि जब वो ये नहीं शो कर सकते कि आप अपने बच्चे को किस तरह से आप उनकी परवरिश में हिस्सा लेते हैं, किस तरह से आप उनके लिए अहम किरदार अदा करते हैं और किस तरह से डे टू डे डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट्स मी बैरिस्टर शाजी अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, और अब नए साल में ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि आपके लिए मैं 10 सीरीज करूंगी, 10 चैप्टर्स करूंगी, जो कि आपके लिए आसान बनाकर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एज ए फैमिली ऑफ ब्रिटिश पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। अब फैमिली में कौन कौन से लोग आते हैं, फैमिली में जब बात करते हैं तो उसमें पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड और स्पाउस वीजा, और फिर जो बच्चे हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन, आप यहाँ पर एज ए ब्रिटिश हैं सेटल्ड हैं या फिर लिमिटेड लीव टू रिमेन पे हैं, असाइलम सीकर है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे है, या फिर लिमिटेड लीव टू रिमेन के आपके यहाँ पर स्टेटस है, लेकिन आप अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं। सो वो भी एक कैटेगरी होती है जिसमें आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को बुलाते हैं। समटाइम आपके एडल्ट डिपेंडेंट चाइल्ड भी होता है। अब एडल्ट डिपेंडेंट चाइल्ड में उसकी क्या स्ट्रेटेजी है उस पर भी हम बात करेंगे अगले 10 चैप्टर्स में। सो आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड कैसे अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाजिया अंजम ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, टू वॉच ऑल द फ्यूचर अपडेट्स एंड टू वॉच ऑल द फ्यूचर ट्यूटोरियल्स इन टर्म्स ऑफ यूके इमिग्रेशन एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से बात की कि इसमें रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है, कि बच्चे के साथ आपका क्या कनेक्शन है, बच्चे को किस तरह से आप अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, बच्चे की जिंदगी में अपना कितना किरदार है कि बच्चा आपके बगैर यूके में रह ही नहीं सकता। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो यूके में रह रहे हैं और वो उनको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग अप्लाई करते हैं कि जिनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, उनके बच्चे उनके साथ आपके साथ रह रहे हैं और वो ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं, लेकिन वो यूके में इस वजह से नहीं रह रहे क्योंकि आप के बगैर वो रह नहीं सकते। तो अब आप एज ए पेरेंट्स उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, एज ए पेरेंट्स आप यूके में आना चाहते हैं, और उसके लिए जो कैटेगरीज होती है वो एक सेपरेट कैटेगरीज हैं। बहुत सारे लोगों को इस कैटेगरीज की समझ नहीं लगती, जो कि एक बहुत टेक्निकल एप्लीकेशन है और आपको बहुत टेक्निकल तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ता है। सो नंबर वन रूल एज आई मैंशन नाउ कि बच्चे की परवरिश में आपका एक्टिव रोल प्ले करना। नंबर टू इसमें जो इशू आता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मिस शाजिया आपने अपनी वीडियो में ये कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने इमिग्रेशन रूल्स में पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, या हमें दूसरे लॉयर ने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, उसमें दो तरह की कैटेगरीज होती है। अगेन उसमें एक में ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना होता है, दूसरे में ये कि आप एग्जम्पशन सीक कर सकते हैं। अब एग्जम्पशन कहाँ पे आपको मिलती है? एग्जम्पशन वहां पे मिलती है जब आप ये प्रूफ कर सकें कि आपको सीरियस हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है, या आपके अदर ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हैं, और आपके कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं कि जिसकी वजह से आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एग्जम्पशन मिलती है, हमारे क्लाइंट्स को मिली भी है, लेकिन उसमें आपको ग्राउंड्स सेटअप करने पड़ते हैं, आपको ग्राउंड्स एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं,
और ये आपके लॉयर का काम होता है कि वो आपके ग्राउंड्स को ड्राफ्ट करे और आपके जो कंपेलिंग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है उसको भी ड्राफ्ट करे। तो दो तरह के ड्राफ्ट्स बनते हैं, पहला ड्राफ्ट लीगल ड्राफ्ट जिसमें आपकी सारी लीगल बेसिस होती हैं, आपके इमिग्रेशन रूल्स क्या हैं, आपके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, प्रीवियस जो केसेस डिसाइड हुए हैं वो क्या है, और दूसरी चीज जो है वो आपके होते हैं ड्राफ्ट जो है वो एविडेंशियल ड्राफ्ट्स हैं, आपके फैक्चुअल ड्राफ्ट्स हैं, आपका पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ड्राफ्ट्स हैं, और वो सारे ड्राफ्ट्स जो ये प्रूफ करते हैं कि आपके अपने बच्चे की जिंदगी में कितना अहम किरदार है। तो ये दो चीजें होती हैं कि जिसमें आपने ये प्रूफ करना होता है कि आप किस तरह से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो उसमें लीगल ग्राउंड्स एंड फैक्चुअल ड्राफ्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी पे ही सारा केस बनता है। जितने भी ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, जितने भी आपके सीरियस हार्डशिप के केसेस हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के केसेस हैं, ये सारे केस जो है वो आपके लॉयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेस में आपके डिफरेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन को लेकर एक डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट किया जाता है, और आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं फैक्चुअल और जो आपके लीगल सर्कमस्टांसिस हैं उसको प्रूव किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इन द लाइट ऑफ योर एविडेंस एंड इन द लाइट ऑफ योर लीगल बेसिस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज गोइंग टू बी मेंटेनेंस। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मेंटेनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग जब अप्लाई करते हैं तो वो स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन करें तो उनको 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी तरह से ही अगर वो एप्लीकेशन करते हैं एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड तो उसमें लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए ये नहीं हम कहते कि बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये भी आपने देखना है कि 18,600 पाउंड भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब आप उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे कि आप अपने बच्चे को मेंटेन कर सकते हैं जब आप यूके में आएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत टेक्निकल चीज है। इसमें आपको ये शो करना है कि आपके पास या तो कुछ सेविंग है या आपके पास ऐसी एक इतने पैसे हैं कि जो या कोई थर्ड पार्टी आपको इतना सपोर्ट कर सकती है कि जो यूके में आके आप इनिशियली कपल ऑफ मंथ्स टाइम आराम से गुजार सकते हैं। अब वो कितने होने चाहिए डिपेंड करता है आपके फैमिली के सर्कमस्टांसिस क्या हैं। तो मेंटेनेंस जो है वो 18,600 को नहीं कहते, मेंटेनेंस जो होती है वो कुछ ऐसी रेगुलर इनकम आपके अकाउंट में आनी चाहिए जो ये शो करें कि आप अपने बच्चों को जिस तरह से पहले फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हैं, लुक आफ्टर करते रहे हैं, इसी तरह से ही आप फ्यूचर में भी अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते हैं, और खुद के भी जब आप उधर जाएं तो अकोमोडेशन और आपका जो खाने पीने की सिचुएशन है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस मींस कि आपको कुछ फंड्स शो करने होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, देन यू कैन सेंड मी डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज। ऑल द टेक्स्ट इंक्वायरीज विल बी फॉर फ्री एंड आई विल हेल्प यू फर्दर इन असेसिंग योर केस मेरिट, इन असेसिंग योर एविडेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑल्सो इन असेसिंग योर लीगल बेसिस टू अप्लाई एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड टू द यूनाइटेड किंगडम। सो ये तो हो गया कि आपका मेंटेनेंस पॉइंट कितना है। अब बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनरल रीजंस ऑफ रिफ्यूजल होती है। अब वो क्या है, जनरल रीजन ऑफ रिफ्यूजल क्या है? अब जनरल रीजन ऑफ रिफ्यूजल की जब हम बात करते हैं उसमें ऐसी चीज है, जैसे अभी रिसेंटली मुझे एक इंक्वायरी आई, उस इंक्वायरी में मेरे जो क्लाइंट्स थे वो ये बात कर रहे थे कि जब वो यूके में थे उस वक्त उनको यहाँ पर कुछ सजा हुई थी 20 मंथ्स की, और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो अभी वो इस चीज़ के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज कर रहे थे बहुत सारे लॉयर्स के पास, और प्रॉपर तरीके से फिगर आउट नहीं कर सके कि उनकी क्या बेसिस बनती है यूके में आने के लिए। तो उसमें ये बात होती है क्योंकि अपेरेंटली किसी को यहाँ पर अगर सजा मिली है तो उसके बाद ये होता है कि वो जनरल रिफ्यूजल में आ जाते हैं। अब उससे निकलना कैसे है, उससे कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए भी रीजंस होती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फिनिश्ड और एवरीथिंग एवरी वे इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड। दिस इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज एवरी एप्लीकेशन हैज द वे फॉरवर्ड एंड एवरी एप्लीकेशन कैन बी कंसिडर्ड अंडर द कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस।
अब ये डिपेंड करता है कि आपके कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, वो आप अपने लॉयर्स को बताएंगे डिटेल्ड कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन के साथ, ताकि आपकी जो पिछले केस लो डिसाइडेड हुए हैं उसके तहत आपकी उसमें बेसिस को देखा जाए कि आप उसमें पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते। तो वो जो मेरे क्लाइंट्स की इंक्वायरी थी जिसमें उनको 20 मंथ्स की सजा यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी पहले, लेकिन बाद में उनकी जिस तरह से अभी हो सकता है वो वॉच भी आप कर रहे हो, तो बाद में उनकी जो कंडीशन थी, जैसे कि यहाँ पर उनकी ब्रिटिश बच्चे भी हैं और उसके बाद उनकी वाइफ जो है उनके मेडिकल रीजंस थी कि जिसकी वजह से उनको अपने फैमिली मेंबर की जरूरत थी, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है कि फिर भी जनरल रिफ्यूजल को इग्नोर कर दिया जाए अंडर द ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। और वो ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स को आपने कैसे एस्टेब्लिश करना है, दिस इज द टेक्निकल वे, दिस इज द टेक्निकल स्ट्रेटजी, एंड एवरीथिंग मस्ट बी कंसिडर्ड अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस एंड इन द लाइट ऑफ प्रीवियस केसेस दैट हैव बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी सुपीरियर कोर्ट, मे बी अपर ट्रिब्यूनल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें इवन इफ के आपकी ऐसी सर्कमस्टांसिस हैं कि आपको लगता है कि नहीं आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, अपनी स्टेटमेंट लगाते हैं, लीगल बेसिस ड्राफ्ट करते हैं, देन आपका एप्लीकेशन वो ग्रांट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कहते हैं हमारा तो रिफ्यूजल हो ही नहीं सकता, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद अप्लाई करते हैं, तो गेस व्हाट, उनका वीजा समटाइम रिफ्यूज हो जाता है और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ये कौन सी बेसिस थी जिसकी बेसिस पे हमारा वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गया है? वो चीजें होती हैं जो आपकी एविडेंस हैं, जो आपके लीगल ग्राउंड्स हैं, वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते, और दिस गिव्स अ रीजन टू एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर टू रिफ्यूज योर एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ दैट इनकम्पैटिबिलिटी। सो ये तो बहुत मुश्किल चीजें हो जाती हैं आप लोगों के लिए, ये लॉयर्स का काम होता है अगेन। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के जैसे जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें जो हमने डिस्कस किया उसमें पहली बात ये है कि आपको अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्रूफ करना है। दूसरी बात कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, अगर तो आप पढ़े लिखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं, यू मस्ट डू योर इंग्लिश लैंग्वेज, और वो A1 सेफर रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो उसका भी वे फॉरवर्ड है, बिल्कुल लीगल है, और वो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी पड़ती है और उसके लिए आपको ड्राफ्ट जो है वो बनाने पड़ते हैं कि आपकी कौन सी बेसिस है जिसकी बेसिस पे आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। तीसरी चीज आपकी इसमें आ जाती है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, मेंटेनेंस डिफरेंट होती है, उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करके कॉल बुक कर सकते हैं या फ्री टेक्स्ट मैसेज करके आप उसकी इंक्वायरीज करके आंसर ले सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली आपको उसमें कुछ सेविंग, कुछ पैसे, कुछ इनकम शो करनी होती है कि आप अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो फाइनली, सबसे फाइनल जो चीज है, आप भी वेट कर रहे होंगे कि कौन सी फाइनल चीज है। सो फाइनल थिंग इज गोइंग टू बी अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब आप यूके आएंगे तो आपके पास ऐसा एड्रेस होना चाहिए, ऐसी अकोमोडेशन होनी चाहिए कि जहां पे आके आप रह सकते हैं। तो वो एड्रेस और वो अकोमोडेशन के लिए आपको सर्टन रिक्वायरमेंट होती है कि जिन इवन दो आपके कोई भी फैमिली मेंबर, कोई फैमिली मेंबर आपका, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आपके ससुर हैं, आपके कोई खाला हैं, कोई भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे और उसके अलावा वो अपना कंसेंट लेटर देंगे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि अगर आप आकर उनके एड्रेस पे रहते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि वो प्रॉपर्टी है ओवर क्राउडेड नहीं होगी, उनके पास इनफ रूम्स अवेलेबल हैं आपकी फैमिली के लिए। अगर आप 4 लोग आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा उनके पास 2 रूम अवेलेबल होना जरूरी है। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो 1 रूम इज जो 1 रूम इज इनफ एंड सफिशेंट फॉर योर अकोमोडेशन। सो ये वो चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है कि आपको सूटेबल अकोमोडेशन एड्रेस, उनकी कंसेंट, उनके पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होगी। सो ये था आज की वीडियो के मेन 3 थीम्स एंड 2 जनरल परसेप्शन ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन,
एंड वन रीजन ऑफ रिफ्यूजल के लोग किस तरह से रिफ्यूजल से बच सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, लीगल ग्राउंड्स को किस तरह से कंपेटेबल होना चाहिए आपके फैक्चुअल ड्राफ्ट्स के साथ. सो ये वो चीजें हैं जो आपको, जब आप उनको लुक आफ्टर करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डेफिनेटली, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर एप्लीकेशन, बट यू मस्ट बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दीज फोर स्टेप्स फॉर योर सक्सेसफुल आउटकम. और उसके लिए ऑलवेज ऑलवेज इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट एन ओपिनियन फ्रॉम प्रोफेशनल, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं जो आपके इस फील्ड में हैं तो वो उनका साल हा साल का एक्सपीरियंस है एंड सेम एप्लीकेशंस को डील करने का, और जिसमें ये कि 15 साल है, 20 साल है, 5 ईयर्स भी हैं. सो वो जो प्रोफेशनल है उनके जो रोज़मर्रा का काम है वो अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी ओपिनियन से, अपनी विजडम से आपके बहुत सारे वक्त को बचा लेते हैं, पैसा ज़ाया होने को बचा लेते हैं, और आपको उस एडवाइस से आपको बहुत सारा फायदा मिलता है. सो जरूर आप सेकंड ओपिनियन लें, प्रोफेशनल ओपिनियन लें बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं तो उसमें एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है जो कि लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसके बाद फिर जब रिफ्यूजल आता है तो काफी स्ट्रेस होता है और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है कि जिसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त इन्वॉल्व होता है, और जो स्ट्रेस होता है उसका कोई मोल ही नहीं है. सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज प्रिपेयर योर ओन फाइल बिफोर यू कैन स्पीक टू एनी लॉयर, एनी प्रोफेशनल, क्योंकि जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा, जब आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट होंगे, तो आप किसी भी लॉयर से खुल के एक्यूरेटली बात कर सकते हैं. सो इजाजत दीजिएगा बैरिस्टर शाजियान जम्मू फिशा, और नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन वीजे पे, कि आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को कैसे बुला सकते हैं जो कि ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात किया कि जो पेरेंट्स आना चाह रहे हैं अपने बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए, या अपने बच्चों को साथ लेकर यूके में आना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीकेकार है. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे ब्रिटिश नहीं है, पेरेंट्स के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, या पेरेंट्स ब्रिटिश हैं, उनके बच्चे ओवर 18 ईयर्स हो गए हैं और डिपेंडेंट हैं, उनको कैसे आप लेकर आ सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है, और किस तरह से आप अपने बच्चों को यहाँ पर सक्सेसफुली लेकर आ सकते हैं. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. इन द मीन टाइम सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन हैव मोर चैप्टर्स एंड मोर ट्यूटोरियल्स from my videos, and you can learn more in terms of UK immigration visa application.